गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वन, दैट इज पोएम टू द कुकू. सो दिस एक्सरसाइज इज देयर इन योर इंग्लिश रीडर बुक. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. टेक द करेक्ट आंसर. हु इज द न्यू कमर? कुकू. अ कुकू इज वेलकम्ड, ऑप्शन ए. 3. What is unsubstantial fairy place? Option C, earth. Now we'll move to the B. Find out 6 pair of rhyming words from the poem. So I have written, you can also write different also. तो मैंने जो लिखा है वो है rejoice, voice, days, ways, green, scene, yet, beget, plain, again, be, thee. Now we'll move to the C. Answer the following question. Who is the poet of the poem? The poet is William Wordsworth. Second, whose voice fills the poet with joy and how? So the answer is, the cuckoo's voice fills the poet with joy. He hears the cuckoo's twofold shout. Sometimes it goes far off and sometimes it comes too near. He also recollects his school days memory and feels happy. Third, what is passing through hills? So the answer is, the cuckoo's voice passing through hills. Fourth, which memory came back to the poet? So answer is, his school days memory came back to the poet as he used to listen to the cuckoo song in school days or during school days. Inki jagah pe during bhi likh sakte ho. Fifth hai, explain the line jo aapka stanza hai thrice welcome se leke to me tak. Uska explanation pucha hai, to uska answer hai, the poet welcomes the bird thrice and calls it darling of the spring because the cuckoo has been a mystery to the poet. Now, this was your answer of the following questions. And now we'll move to the next one. Play with words. The first one, write the words used in the poem to describe them. So, pahla hai cuckoo, uska hoga blithe, newcomer. Second, voice, uska hoga wandering, W-A-N-D-E-R-I-N-G. Third, shout, shout ka hoga twofold. फोर वेल, वेल का होगा बैबलिंग, बी ए डबल बी एल आई एन जी. फिफ्थ है टाइम, टाइम का होगा विजनरी आवर्स. सिक्स्थ है अर्थ, अर्थ का होगा अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस. उसके बाद जो बी दिया है उसमें यही है कि जो आपने जो 6 वर्ड्स लिखे हैं ना, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है. तो मैंने जो बनाया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. फर्स्ट में मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कुको इज अ ब्लिथ न्यू कमर. सेकेंड लिखा है, कुकू इज हैविंग अ वंडरिंग वॉइस. थर्ड लिखा है, कुकूज टू फोल्ड शाउट अमेज द पोएट. फोर्थ, अर्थ इज एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस फॉर कुकू. नाउ राइटिंग स्किल में है, री राइट द स्टोरी पुटिंग द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर. तो जो 5 सेंटेंस दिए हैं उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो पहला करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस होगा, अ फॉक्स सॉ अ क्रो सिटिंग ऑन अ ब्रांच विथ अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ. सेकेंड होगा, द फॉक्स वॉन्टेड द ब्रेड. थर्ड होगा, हाउ ब्यूटिफुली यू कैन सिंग, सेड द फॉक्स टू द क्रो, वोंट यू सिंग फॉर मी. फोर्थ होगा, वेन द क्रो ओपन्ड इट्स माउथ टू द का, द ब्रेड फेल टू द ग्राउंड. फिफ्थ होगा, द फॉक्स पिक्ड अप द ब्रेड एंड रैन अवे. सो ये था आपका एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके इंग्लिश रीडर बुक में है. अब हम देखते हैं जो वर्कबुक आपको मिला है इंग्लिश लीडर का, उसका जो फर्स्ट वर्कशीट है उसका. तो पहला जो 2 है आपको बताया था, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन देम. तो आपको पहले तो लाइन लिख देना है पोएम का दोनों में. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. पहले का होगा, द पोएट वेलकमिंग द बर्ड कुकू बाय कॉलिंग अ ब्लिथ न्यू कमर. ही इज हैप्पी. द बर्ड केम इन द स्प्रिंग सीजन. ही ऑल्सो कॉल्स कुकूज वॉइस एज अ वंडरिंग वाइज. आप 6th में है तो आप इतना ही लिखेंगे तो चलेगा. सेकेंड है, द पोएट नेवर गॉट टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर द बर्ड एंड वुड रोम इन सर्च ऑफ इट इन टू फॉरेस्ट एंड ऑन प्लेन. द बर्ड्स मेलोडी इन थ्रेल्ड द पोएट एंड अवेकेंड विद इन हिम अ डिजायर टू फाइंड द सोर्स ऑफ दिस इंचेंटमेंट. उसके बाद होगा, बट द बर्ड ऑलवेज हैज रिमेंड इन द पोएट्स लॉन्ग अवेटेड ड्रीम. ये हो गया आपका ए. बी पे आते हैं, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएम. पहला है, टू फोल्ड शाउट. इसका होगा, द इकोइंग वॉइस ऑफ द बर्ड विच कंसिस्टेड ऑफ 2 साउंड्स.
सेकेंड विजनरी आर्स, इसका होगा द मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट इज द चाइल्डहुड डेज। गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम का होगा चाइल्डहुड टाइम। फेरी प्लेस का होगा प्लेस ऑफ एंजल्स। नाउ सी जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। तो उसका पहला है व्हेन डज द कुकू कम इन स्प्रिंग सीजन। सेकेंड हुज वॉइस इकोज अक्रॉस हिल्स द कुकूज। थर्ड विच प्लेस इज अनसब्सटेंशियल अकॉर्डिंग टू पोएट द अर्थ। एंड फोर्थ वन इज हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट वेलकम कुकू। सो आंसर विल बी 3 और यू कैन राइट थ्राइस। ओके सो दिस वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर टू द कुकू। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।